हेलो दिगड़ियों, नमस्कार, पहला प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो दिगड़ियों, शुरुआत हो गई है एक नए दिन की, तो मैंने भी आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसे ही आज भी हमारे इधर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है सुबह से ही। तो आइए आपको ले चलता हूँ आज के मौसम की ओर पहले, उसके बाद अपना ब्लॉग दिखाते हैं आपको आज की वीडियो में क्या क्या होता है, तो बने रहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी कितनी तेज बारिश आ रही है यहाँ पे उत्तराखंड अल्मोड़ा में, और हमारे गांव के जितने तेज आंधी तूफान चल रहा है उतनी तेजी से बारिश भी आ रही है, मानो गर्मी का तो बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसे ही आजकल कंटिन्यू डेली का रूटीन हो रहा है बारिश का, कभी बिल्कुल धूप आ जाती है, कभी एकदम से इतनी तेज बारिश आ जाती है, और कभी बादल लग जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही अभी चल रहा है। फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 1 बज रहा है और मैं चले गया हूँ घर नीचे लंच करने के लिए, तो बने रहो मेरे साथ। हम खाना खाने लग गए हैं, ये विक्की और पूजा एक ही थाली में खा रहे हैं। ये शर्मा रहा है विक्की, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं छोटे डॉगियों कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसके आजकल एक तो नई टीथ आ रहे हैं, तो जो वो शायद कुछ खुजला से रहे हैं, तो उसका काटने का मन कर रहा है बस। तो जब भी कहीं पे पैर वैर देखो किसी का भी, तो वहाँ पे काटने लग जा रहा है, या फिर ऐसे कुछ इस तरह से अपना गुस्सा निकालता है वो। फ्रेंड्स, इस टाइम पे मैं घर पे हूँ खाना खा के, तो मैं भी फिलहाल अपने छोटे टफी की बेबी के साथ जोजो के साथ खेल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कैसे कितना गुस्सा आ रहा है ऐसे खेलने पे भी, और काटने के लिए आ रहा है बिल्कुल ही। हाय दिगड़ियों, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हमारे साथ है नानू, इनसे मिलिए। तो फ्रेंड्स, हम आज नानू से पूछेंगे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और स्कूल में उन्हें कैसा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं इनका आज इंटरव्यू। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं नानू से आज का क्वेश्चन और इनका इंटरव्यू, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कैसा लगता है इनको स्कूल में। तो नानू, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? कौन से स्कूल में? तो आपको कैसा लगता है स्कूल में, कैसा लगता है? नींद आती है और भूख लगती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं नानू को फ्यूचर की इतनी टेंशन है कि वो अभी से अग्निवीर की तैयारी करने में जुट गया है।
फ्रेंड्स, अभी शाम के 8 बज चुके हैं और मैं अभी दुकान पे हूँ, तो अब दुकान क्लोज करता हूँ क्योंकि आजकल बाघ का खतरा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा और रात को बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो गाइस, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और जो लोग मेरे चैनल से पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। और मैं कोशिश करूँगा गाइस आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो दिखा के आपका मनोरंजन कर सकूँ और अपने पहाड़ अपने कुमाऊँ से आपको दिखा सकूँ अपनी वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, शुभ रात्रि गाइस।